हाँ यस, सो हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर बेला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेलन समझने के लिए आपको जरूरी है कि बेलन एक्चुअली होता क्या है, ये हम जान ले। सो आप काम कीजिएगा, एक किसी एक पार्टिकुलर साइज का, किसी एक पार्टिकुलर साइज का, एक ही साइज का बहुत सारा क्वाइन ले लीजिएगा, 10-20 क्वाइन जितना आपके पास अवेलेबल, एक क्वाइन ले लीजिएगा और उस क्वाइन को एक के ऊपर एक रखते जाइएगा, उस क्वाइन को एक के ऊपर एक रखते जाइएगा और जो आकृति प्राप्त होती है, जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम लोग बेलन कहते हैं, ठीक है। आप लोग दिखाते, देखिए जैसे ये क्या है हमारे पास, ये क्वाइन है सर, ठीक। अब देखिए हमने एक रखा इसके ऊपर, फिर ये रखा, फिर ये रखा, ये रखा, ऐसा रखते गए। तो जब ऐसा रखने के बाद देखिए कुछ ऐसा हमें शेप मिल गया, कुछ ऐसा हमें शेप मिल गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। आप लोग हम दिखाए और अच्छा से, ठीक है। हमने कोई जो क्वाइन लिया, ऐसा कुछ क्वाइन था हमारे पास, ठीक है, ये जो भी क्वाइन था, ऐसा कुछ क्वाइन था, उसके हमने क्या किया, एक के ऊपर हम एक रखते गए, ठीक है। पहले हमारे पास ये आया, फिर उसके ऊपर फिर हमने एक रखा, फिर उसके ऊपर 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 हमने एक रखा, ऐसे कर करके हम अरेंज करते गए और जो हमें शेप मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वाइन एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते गए, जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारे पास, देखिए इस क्वाइन को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एकदम स्ट्रेट में अरेंज करके एकदम सीधा हो, जो एकदम सीधा हो, ठीक है, ऐसा अरेंज कर सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए ऐसे भी तो थोड़ा सा किसी एक डायरेक्शन में ऐसे बेंड करके भी तो अरेंज कर सकते हैं, देखिए ऐसे अरेंज कर सकते हैं तो ऐसे, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा, ऐसे अगर अरेंज ऐसे थोड़ा सा बेंड करके भी हम अरेंज कर दे वो भी हमारा बेलन ही है। ऐसे अगर थोड़ा सा हम बेंड करके अरेंज कर दे, ऐसे कर दे, या फिर हम इस डायरेक्शन में बेंड कर दे, तो ये भी क्या है हमारा, बेलन ही है, ठीक है। तो यानी बेलन क्या आना चाहिए, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, डायग्राम क्या बना रहे, ठीक है, उतना क्वाइन का टाइम नहीं रहता, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी क्वाइन का अरेंजमेंट दे सकते हैं, ठीक है, या फिर चाहे तो हम क्वाइन का अरेंजमेंट ऐसे भी दे सकते हैं। कंडीशन क्या है, आपके पास जितना भी क्वाइन यूज कीजिएगा सब क्या रहना चाहिए, एक साइज का रहना चाहिए। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, ठीक है। ये भी बेलन है और ये भी बेलन है और ये भी बेलन है, कैसे बना, एक साइज का पार्टिकुलर क्वाइन ले लीजिए और एक के ऊपर एक सजाते जाइए, जो आकृति प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये बेलन, ये बेलन, ये भी बेलन, और हम केवल बेलन समझे, ठीक है। और देखिए इसमें कुछ, देखिए ये सब डिफरेंट शेप है, तो देखिए ये स्टेड है, ये क्या है, थोड़ा सा बेंडेड है, तो कुछ ना कुछ इसमें अंतर तो होगा ही, तो उस अंतर को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए बेलन तो तीनों है, बेलन तो इसमें तीनों है, ये क्या है, देखिए थोड़ा सा इधर झुका हुआ है, ये इधर झुका हुआ, मतलब ये दोनों क्या है, झुका हुआ है, ये क्या एकदम स्टेड है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा स्टेट बेलन है, इसका अलग नाम है, इनको हम लोग ये बेलन कैटेगरी में रखते हैं, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमें केवल इस पे बात करना है, अभी हम समझते हैं क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ये शेप है इसको हम लोग लंब वृत्ताकार बेलन बोलते हैं, लंब वृत्ताकार बेलन, ठीक है। हमारा सिलेबस यही है, केवल लंबवृत्ताकार बेलन ही पढ़ना है हमें, और कुछ हमें बेलन से रिलेटेड नहीं पढ़ना है 10th क्लास में। ये देखिए ये सब भी बेलन है लेकिन लंबवृत्ताकार बेलन नहीं है, ये सब क्या है, ये भी बेलन है और ये भी बेलन है लेकिन लंबवृत्ताकार बेलन नहीं है। अभी हम कारण बताएंगे क्यों लंबवृत्ताकार बेलन नहीं है,
भले आप ये समझ लीजिए कि ये क्या है हमारा लंबी तकार बेलन है, ये दोनों क्या है बेलन है। ये देखिए स्पेसिफिक एकदम सीधा एक शेप ले रहा था इसीलिए इसका अलग नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बेलन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कारण समझते हैं इसको लंब वृत्ताकार बेलन क्यों बोल रहे हैं। ठीक, चलिए यहां तो नोट कर लीजिए आप बेटा इसको। चलिए हम लोग समझे लंब वृत्ताकार बेलन किसे बोलते हैं, लंब वृत्ताकार बेलन तो देख लिया आप किसे बोलते हैं, क्यों इसको बोलते हैं लंब वृत्ताकार बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक है, अब इसको लंब वृत्ताकार बेलन बोले या कारण देखिए, इसका हम लोग कारण समझे, इसको लंब वृत्ताकार बेलन क्यों बोलते हैं। देखिए आपने जो भी क्वाइन एक यूज किया, जो भी हमने क्वाइन यहां यूज किया वो क्या था, हमारा देखिए क्वाइन एक सर्किल जैसा है तो हम लोग क्वाइन जो भी यूज कर रहे हैं यहां क्या है, क्वाइन हमारा सर्किल है, यानी क्वाइन क्या है हमारा वृत्त है, क्वाइन क्या है हमारा वृत्त है, तो यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका जो आधार है वो वृत्ताकार है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, यानी इसका आधार क्या है हमारा वृत्ताकार है, इसलिए देखिए हम यहां पे वृत्ताकार वर्ड लेके आए हैं, वृत्ताकार जो शब्द हम यूज किए हैं इसको किस लिए यूज किया है, क्योंकि इसका आधार क्या है वृत्ताकार है। और लंब हम क्यों यूज कर रहे हैं, लंब हम बताया इसीलिए केवल यूज कर रहे हैं, उसको भी हम वृत्ताकार बेलन बोल सकते हैं लेकिन हम इसको केवल लंब वृत्ताकार बेलन बोलेंगे, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर इसी को केवल बोलेंगे। इसको हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, तो जो हमने एक क्वाइन रखा, जब हम लोग एक क्वाइन यहां पर रखेंगे उसका ऊपर एकदम स्टेड यानी आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एकदम स्पष्ट रूप से हम लोग दूसरा क्वाइन रखेंगे, फिर तीसरा क्वाइन भी वैसे, चौथा क्वाइन भी वैसे, पांचवा क्वाइन भी वैसे, छठा क्वाइन ऐसे, मतलब ऊपर जाते जाएगा, यानी क्या होता है आधार के साथ इसका जितना भी इसमें हमने क्वाइन यूज किया सब क्या बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी लंबवत रूप से रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे लंब वृत्ताकार बेलन। समझ में आया, हमने क्या किया, हमने सिक्का एक के ऊपर ऊपर एक लंबवत रूप से रखा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे लंब वृत्ताकार बेलन। समझ में आया, लंब वृत्ताकार बेलन इसको क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा क्या है इसका जो आधार है हमारा क्या है वृत्त है, और हमने क्वाइन कैसे रखा है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एकदम स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट लाइन, यानी आधार के साथ जो भी हमारा उसका आधार होगा जिसमें तो देखेंगे उसके साथ क्या बना रहा है लंबवत रूप से, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है लंब एकदम, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे लंब वृत्ताकार बेलन। और आप लोगों को थोड़ा सा एनालाइज कराए, अभी जो हमें पहले शेप मिला था अगर ऐसे ही शेप हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वृत्ताकार बेलन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका आधार क्या है वृत्ताकार है लेकिन ये लंबवत नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे लंब वृत्ताकार नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है लंब वृत्ताकार बेलन है, ये केवल क्या है हम लोग बेलन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आप लोग का जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें केवल लंब वृत्ताकार बेलन है, केवल लंब वृत्ताकार बेलन है, तो इसलिए हम लोग पूरा डेप्थ में लंब वृत्ताकार बेलन को ही पढ़ेंगे, उसको हम लोग अगर फर्दर आप लोगों का कहीं पढ़ा तो पढ़ा जाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ना, आप लोग 10th क्लास में नहीं है। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग केवल लंब वृत्ताकार बेलन समझना है। ठीक, चलिए यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं लंब वृत्ताकार बेलन का, मिटा इसको। अब लंब वृत्ताकार बेलन का पहले रियल लाइफ में एग्जाम्पल आप लोग कुछ दिखा दे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
देखिए ये क्या है हमारा बैटरी है, ये भी देखिए क्या है, इसका आधार क्या है, वृत्ताकार है, और देखिए ये क्या एकदम स्टेट है आधार, जिसके साथ ही हम रखेंगे ये, जहां भी हम आधार पर रखेंगे वो क्या बनाएगा हमारा, लंबवत रूप से एकदम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इसलिए हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, लंब वृत्ताकार बेलन। ठीक है, ये देखिए ये भी क्या है हमारा, लंब वृत्ताकार बेलन ही है। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये पाइप का छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, तो हमारा जो भी हम पाइप को यूज करते हैं वो भी क्या रहता है, हमारा लंब वृत्ताकार बेलन रहता है। ये जो मार्कर हम यूज कर रहे हैं, एक्चुअली देखिए अगर इसका हम कैप हटा दें, ठीक है देखिए अगर इसका हम कैप हटा दें, भी क्या बन गया हमारा, लंब वृत्ताकार बेलन ही बन गया। इसका भी आधार वृत्ताकार, जहां भी हम रखेंगे ये लंबवत रूप से रखा जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लंब वृत्ताकार बेलन बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां तो नोट करने वाले उदाहरण लिख लीजिए लंब वृत्ताकार बेलन का। ठीक है, पहले लिख लीजिए पाइप, लिख लीजिए पाइप क्या होता है हमारा, लंब वृत्ताकार बेलन। फिर दूसरा हम लोग बोल सकते हैं आपने मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती को भी ध्यान से देखिए, मोमबत्ती भी क्या रहता है, मोमबत्ती को देखिएगा तो कुछ ऐसा रहता है थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अगर हम इस पार्ट को हटाएं तो ये भी क्या है हमारा, लंब वृत्ताकार बेलन ही है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोमबत्ती भी क्या है हमारा, शायद ऐसे ही देख लीजिएगा इसको। ठीक है, मोमबत्ती भी क्या है हमारा, बेलन ही है। तीसरा आप लोग जो भी क्वालिटी वोल्टिंग लेते हैं उसका कैन देखें, सो कैन क्या रहता है, देखिए कैन को ध्यान से देखिएगा तो कैन भी कुछ ऐसा ही रहता है, डायग्राम में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। ठीक है, तो कैन भी हमारा क्या रहता है, लंब वृत्ताकार बेलन ही रहता है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जो घर में हम लोग क्या होता है बरामदा फरामदा पिलर वर लगता है, वो भी ध्यान से देखिएगा तो ऐसा ही कुछ रहता है। ठीक है, ये हिस्सा क्या होता है, छत में चिपका हुआ रहता है, और ये क्या नीचे वाला हिस्सा क्या रहता है, जमीन में रहता है, और ये ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये भी उसका उदाहरण है। ठीक, तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि लंब वृत्ताकार का उदाहरण, और बहुत सारा लिख सकते हैं अपने पास है, जितना आपको मन करे लिखते रहिएगा। ठीक है, 5-10 अपने पास से भी लिख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो। चलिए अब हम लोग क्लियर हो गया कि लंब वृत्ताकार बेलन होता क्या है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए। अब देखिए इस लंब वृत्ताकार बेलन में कितना तल होता है और क्या क्या होता है, उस सबको हमको समझना है। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट मैथमेटिकल जो आप लोगों को समझाने के लिए एक डायग्राम चाहिए, वो हम एक नॉर्मल बेलन का यानी जो हमारा लंब वृत्ताकार बेलन है उसको हम बना देते हैं। ठीक है, अब हम जब भी बेलन बोले तो आप लोग क्या समझिएगा कि लंब वृत्ताकार बेलन का ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है कि लंब वृत्ताकार बेलन ही, और कोई बेलन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पे आप देखेंगे तो किसी भी बेलन में होता क्या है, दो समतल तल होता है, दो समतल तल होता है। देखिए कितना तल है वो हम लोग बता रहे, एक बेलन में कितना तल होता है। ठीक है, देखिए नीचे जो हम रख रहे हैं ये क्या है, समतल है, तभी हम रख पा रहे हैं, और ऊपर भी देखिए तो एक ऊपर भी क्या है, समतल ही है, यानी ऊपर भी एक तल और नीचे भी एक तल, दो तल हुआ। और ये देखिए जो हमारे पास मुड़ा हुआ है यानी कर्व शेप वक्र, वक्र तल, ये भी क्या है, एक तल है, यानी एक बेलन में कितना तल होता है, तीन तल होता है। ठीक है, एक बेलन में तीन तल होते हैं। ठीक है, पहला ये देखिए, अब ये क्या है हमारा, समतल हो गया, एक ठो समतल, नीचे भी क्या है हमारे पास, समतल ही है, समतल यानी बराबर है, यानी कहीं उसको रखा जा सकता है, कोई मुड़ा धार नहीं है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये जो राउंडेड वाला ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये क्या है हमारा, वक्र तल, ये क्या है, वक्र तल।
ठीक है, वक्र सादृश्य था, ठीक है। हमारे पास कितना है, दो वृत्ताकार समतल होता है, दो ये देखिए ऊपर और नीचे क्या है, वृत्ताकार है, तो दो वृत्ताकार समतल होता है, समतल होता है, और दूसरा क्या होता है, एक वक्रतल होता है, ठीक है। सो आप क्या समझिए, एक बेल में कितना तल होता है, एक बेल में कितना तल होता है, तीन तल होता है। दो कैसा होता है, ऊपर और नीचे जो वृत्त रहता है, यानी समान सॉरी समतल वाले जो वृत्त रहते हैं, आप बताएंगे समान क्या क्यों बोले, ये जो समतल वाले दो तल होता है वृत्ताकार, उसको हम क्या बोलते हैं, दो वृत्ताकार समतल तल होते हैं, एक और ये, और इसके बाद ये जो हमारा ये वाला एरिया जो है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रतल बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, एक बेल में कितना तल होता है, तीन तल, एक ऊपर और एक नीचे, और ये वाला एक तो तल हो गया, इसको इसके सहारे भी तो रखा जा सकता है, ठीक है, और इसके सहारे भी रखा जा सकता है, तल उसी को बोलते हैं जिसके सहारे रखा जा सकता है, इसको भी बोलेंगे, ठीक है, इसको तीन तरह से रखा जा सकता है ना, और क्या करोगे, हो गया। एक बेल में कितना तल आता है, तीन तल, दो समतल और एक वक्रतल। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको चलिए अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, फिर बिलन को हम यहां ड्रॉ कर दें। ये हो गया, अब देखिए इसका प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा देख ले, ठीक है। जो इसे देखिए, ये किनारे पर तल हो गया और ये किनारे तल हो गया, तो ये जो दोनों किनारे का तल रहता है ना, दोनों किनारे का तल रहता है, वो क्या होता है, एकदम एक समान होता है, दोनों किनारे का तल क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। दोनों किनारे का तल क्या होता है, बेलन के दोनों किनारे का तल एक समान होता है, समान और बता रहा है, एक समान होता है। और देखिए अगर हम एक काम करें, इसको हम ध्यान से देखें, तो देखिए इधर भी क्या है, हमारा क्वाइन है, और इधर भी क्या है, देखिए ऐसा कुछ है, ठीक है। और देखिए दोनों का क्या है, ये और ये क्वाइन एक समान है, यानी दोनों किनारे का वृत्त क्या रहेगा, हमारा एक समान रहेगा। और देखिए समानांतर क्या होता है, बीच की दूरी समान रहे, यानी कि हमेशा इन दोनों क्वाइन के बीच का दूरी क्या रहेगा, समान ही तो रहेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो दोनों किनारे का तल होता है ना, वो दोनों एक समान रहता है तथा समानांतर होते हैं, तथा समानांतर होते हैं, समानांतर होते हैं, ठीक है। वो आप लोग समझ में आया, फिर भी वो रिपीट करते हैं आप लोगों ने, ठीक है। देखिए एक ही बेलन का दोनों किनारा क्या रहेगा, समान रहेगा, क्योंकि हर जगह ये क्या है, इधर साइज हम देखे तो हर जगह समान ही तो है, ठीक है। हम पहले कंडीशन क्या बताए थे, बेलन उसी को बोलेंगे जिसका जितना भी क्वाइन आप यूज कीजिएगा सब क्या रहेगा, एक बराबर रहेगा। तो ऊपर और नीचे क्वाइन एक ही जैसे यूज होगा, तो दोनों क्या हो गया, समान हो गया। अब ये वाला समांतर वाला, बीच का देखिए डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा एक ही बराबर रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी होगा कि इस किनारे का डिस्टेंस कुछ कम हो जाएगा और इस साइड का दूरी जो होगा वो कुछ ज्यादा हो जाएगा, हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों किनारे का जो तल होता है वो क्या रहता है, एक समान रहता है तथा समानांतर होता है, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए कुछ टर्म इसका आता है, बेलन की ऊंचाई किसे कहते हैं, और कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो बेलन की ऊंचाई देखिए क्या बोलते हैं, जो दोनों किनारे का बीच का जो दूरी होगा, दोनों किनारे के
बीच की दूरी को बेलन का ऊंचाई कहते हैं। दोनों किनारे के बीच की दूरी को बेलन का ऊंचाई कहते हैं। बेलन के दोनों किनारों के बीच की दूरी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई कहते हैं। देखिए ये देखिए ये ऊपर वाला किनारा हो गया और ये नीचे वाला हो गया। यहां दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये ऊपर वाला किनारा हुआ और ये नीचे वाला। इस बेलन की ऊंचाई किसको बोलेंगे? यहां से लेके यहीं तक का इसका ऊंचाई बोलेंगे। अगर हम इसको रख दें और बोले, अगर हम इसको यहां पर रख दें और बोले ये बताइए यहां से कितना ऊंचा है, तो बोलेगा इतना ऊंचा है। यानी ऊंचाई क्या हो गया? इस और इस किनारे के बीच की दूरी को हम ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, यानी जो दोनों हमारा किनारा होता है पहले क्या होता है, एक समान रहता है, एक समान और समानांतर रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों किनारे का जो बीच का दूरी रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई यानी हाइट हो गया। इसलिए हम उस समझ जो भी सवाल बनाएंगे उसको आप किस पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। ठीक है, हाइट हो गया। ठीक, आपको क्लियर हुआ बेलन की ऊंचाई किसको बोलते हैं? दोनों किनारे के जो तल होता है उसके बीच के दूरी का, जो बीच का दूरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको क्लियर हुआ यहां तक, चलिए यहां तक नोट कीजिए, उसके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा आप इसको पोस्टर के लिए बिठा रहे, ठीक है, चलिए ऊंचाई क्लियर हो गया। अब देखिए जो बेलन का वृत्ताकार आधार होता है, जो बेलन का वृत्ताकार आधार होता है उसका जो व्यास अर्धव्यास होता है वही बेलन का भी व्यास अर्धव्यास होता है। ठीक है, बेलन के वृत्ताकार आधार के व्यास को ही बेलन, यहां अर्धव्यास कर लीजिए, अर्धव्यास से ज्यादा हम समझ करेंगे किसका सर है, अर्धव्यास व्यास दोनों की होता है मतलब एक ही, यानी मतलब अगर इस आधार का अगर व्यास बोलेंगे 5 सेंटीमीटर तो बेलन का व्यास क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अर्धव्यास को ही बेलन का भी अर्धव्यास कहते हैं, अर्धव्यास कहते हैं। देखिए अगर हम ये जो हमारा क्वाइन है, अगर इस क्वाइन का जो व्यास है वो अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो अगर इस क्वाइन से हम बेलन बनाए, अगर हम इससे बेलन बनाए तो उस बेलन का भी अर्धव्यास कितना होगा, सॉरी उसका उस बेलन का व्यास कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब क्वाइन का अगर अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर होगा तो बेलन का भी अर्धव्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। यानी जो इसका आधार है, इसका आधार जो वृत्ताकार आधार का जो वृत्त है उसका जितना अर्धव्यास व्यास होगा वही अर्धव्यास व्यास क्या होता है, हमारा बेलन का भी होता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। ठीक, अगर हम इस क्वाइन को लेकर अरेंज करके इसे वृत्त हम बना रहे हैं, अगर इसका अर्धव्यास जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आर इक्वल टू अर्धेरियस है, तो इस बेलन का भी अर्धव्यास क्या होगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए इसको उतारिए, यहां तक हो गया।
चलिए एक बार आप फ्रेश डायग्राम बना के आप लोग को एक समरी कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको जो नहीं रख रहा है थोड़ा सा बैक पीछे चल जाइए, ठीक है, वहां से नोट कर लीजिए। चलिए हमें जब एक के ऊपर एक क्वाइन रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंबरेखा बेलन, लंबरेखा बेलन बोलेंगे। इसमें कितना तल है, तीन तल, एक ऊपर में समतल वृत्ताकार है, नीचे में समतल वृत्ताकार है, और ये क्या है, वक्र तल है, ठीक। अब देखिए हम ऊंचाई किसको बोलेंगे, बेलन की ऊंचाई किसको बोलेंगे, दोनों तलों के बीच की दूरी को, इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे बेलन की। ठीक है, यानी ये क्या आ गया हमारे पास, एच हो गया, ठीक। उसके इसका जो आधार का अर्धव्यास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन का भी अर्धव्यास बोलते हैं, ठीक है। और दोनों चूंकि ऊपर और नीचे वाला वृत्त क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए क्या हो गया, एक ही अर्धव्यास, ऊपर नीचे हर जगह अर्धव्यास एक ही रहता है। चलिए यहां तक उम्मीद आप लोग अपना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा लंब वृत्ताकार बेलन होता है, जो हमारा लंब वृत्ताकार बेलन होता है, लंब वृत्ताकार बेलन भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, इसको उतार लीजिए उतार, ठीक है। चलिए हम लोग यहां छोटा सा एक लंबे तरह बेलन बताते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कौन है हम लोग। ये हम लोग लंब वृत्ताकार बेलन हो गया, लंब वृत्ताकार बेलन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। और दो प्रकार के कौन कौन होते हैं वो भी अभी हम बताते हैं। देखिए आप लोगों ये दोनों बेलन ही है तो अब देखिए इसको अगर देखिएगा तो ये देखिए बीच से खाली है, देखिए हमारे पास देख पा रहे हैं, ठीक है, देखिए हम भी देख पा रहे हैं वैसे, यानी क्या है ये बीच से खाली है, देखिए बीच से खाली है, यानी क्या है, हम नॉर्मल भाषा में बोले तो ये खोखला है, और ये देखिए ये क्या है, बीच से खाली है, इसके में कुछ डाले जा रहे हैं, अंदर कुछ भी डाले जा रहे हैं, नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे, एकदम ठोस है, दबे वगैरह ये तो दबे, देखिए दब गया, इसको हम दावे दबेगा नहीं, क्यों क्या है, क्योंकि ये अंदर से भी भरा हुआ है, और ये अंदर से क्या था, खाली था, यानी देखिए दोनों तो लंबवृत्ताकार बेलन है, यानी दोनों में अंतर क्या है, ये खोखला है और ये भरा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको भी दो भागों में बांटा गया है, पहला जो होता है हमारा ठोस बेलन, दूसरा होता है हमारा खोखला बेलन, इसको हम लोग सॉलिड बेलन भी बोलते हैं ठोस बेलन को, और इसको होलो सिलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ठोस लंब वृत्ताकार बेलन, वृत्ताकार बेलन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, खोखला यानी होलो लंब वृत्ताकार बेलन, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है, जो हमारा ठोस होता है वो अंदर में भी क्या होता है, पूरा भरा हुआ रहता है, और खोखला क्या होता है, अंदर से खाली रहता है। हम लोग अगर खोखला से कुछ अंदर में डाले तो वो आर पार निकल जाएगा, लेकिन ठोस में कुछ अंदर डाले तो आर पार नहीं निकलता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग जब फर्स्ट पार्ट जो हमारा पढ़ेंगे, हम लोग ठोस लंब वृत्ताकार बेलन को पढ़ेंगे पहले कुछ वीडियोस में, फिर उसके बाद हम लोग खोखला पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इस पर पूरा डेप्थ में पढ़ लेंगे, स्टडी करेंगे, एक एक जो भी फार्मूला में जितना भी होगा सब ड्राइव करेंगे, उसके फिर इसके लिए भी ड्राइव करेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो से इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग।